नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 करोड़ 3 लाख किसान भाई बहनों के खातों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि डालेंगे, हस्तांतरित करेंगे और उस दिन अन्नदाताओं की खुशहाली के साथ विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का श्री गणेश हो रहा है। प्रधानमंत्री के साथ उनका कार्यक्रम तो काशी में होगा, काशी के कार्यक्रम के साथ ही उस कार्यक्रम में राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वहां के कृषि मंत्री सम्मिलित रहेंगे। लेकिन देश में अलग अलग स्थानों पर वैसे तो किसान विज्ञान कार्यक्रम होंगे कृषि विज्ञान केंद्रों में, लेकिन 50 हमने विशेष रूप से चिन्हित किए हैं। वहाँ अलग अलग केंद्रीय मंत्री जाएंगे, वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे। वहाँ जो एकत्रित किसान होंगे उस कार्यक्रम के लिए उनसे वो संवाद भी करेंगे। उन्होंने कहा कि केवल किसान विज्ञान कार्यक्रम में नहीं, सभी मंडियों में, ब्लॉक स्थानों पर और कई राज्यों में, हर गांव में, ग्राम पंचायतों में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और लगभग 2 करोड़ किसान फिजिकली और वर्चुअली इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। 18 जून को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 9 करोड़ 3 लाख किसान भाई बहनों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि डालेंगे, हस्तांतरित करेंगे और उस दिन अन्नदाताओं की खुशहाली के साथ विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का श्री गणेश हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के साथ उनका कार्यक्रम तो काशी में होगा, काशी के कार्यक्रम के साथ ही उस कार्यक्रम में राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वहाँ के कृषि मंत्री सम्मिलित रहेंगे। लेकिन देश में अलग अलग स्थानों पर, वैसे तो सभी केवीकी में कार्यक्रम होंगे कृषि विज्ञान केंद्रों में, लेकिन 50 हमने विशेष रूप से चिन्हित किए हैं जहाँ अलग अलग केंद्रीय मंत्री जाएंगे, वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे और वहाँ जो एकत्रित किसान होंगे उस कार्यक्रम के लिए उनसे वो संवाद भी करेंगे। केवल केवीके में नहीं, सभी मंडियों में, ब्लॉक स्थानों पर और कई राज्यों में, हर गांव में, ग्राम पंचायतों में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और लगभग 2 करोड़ किसान फिजिकली और वर्चुअली इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। मित्रों, इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण डीडी किसान, माई गव पर वेबकास्ट, विकासखंड कार्यालय से लेकर ग्राम पंचायतों, यूट्यूब, फेसबुक, अलग अलग कृषि विज्ञान केंद्रों में और देश भर के 5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर्स पर भी किया जाएगा। आपके माध्यम से मेरी किसानों से अपील है कि इस कार्यक्रम में वो किसी भी माध्यम से सीधे भाग लेकर अलग अलग स्थानों पर और उसके अतिरिक्त भी विभिन्न संचार माध्यमों के माध्यम से इस कार्यक्रम से और प्रधानमंत्री जी से जुड़ने की कृपा करें। कृषि सखी कार्यक्रम अभी 12 राज्यों में हमने प्रारंभ किया है, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड और आंध्र प्रदेश और मेघालय में ये शुरू किया है। कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए, दोनों मिलके इस कार्यक्रम को चलाएंगे। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अपने 2 कार्यकालों में भी कृषि और किसान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहे हैं और किसानों के कल्याण के लिए अनेकों कदम उन्होंने उठाए। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण करने के बाद सबसे पहले हस्ताक्षर अगर किए तो किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त किसानों को जारी करने की फाइल ही उन्होंने साइन की।
और उनका सबसे पहला कार्यक्रम अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद हो रहा है तो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में वो सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि डालेंगे। आप सब जानते हैं कि किसान भाइयों की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना की शुरुआत हुई थी और अब तक लगभग 11 करोड़ किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि किसान सम्मान निधि के रूप में दी जा चुकी है, सीधे उनके खातों में अंतरित की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 4 करोड़ से ज़्यादा किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिली हुई है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि वैश्विक कीमतों में उछाल के बावजूद भी 11 लाख करोड़ की सब्सिडी उपलब्ध कराकर किसानों को सस्ती दरों पर खाद की उपलब्धता कराने का काम निरंतर जारी है। एक और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है लखपति दीदी, 3 करोड़ लखपति दीदी हमें बनानी है, 1 करोड़ बन चुकी, 2 करोड़ और। उसी का एक आयाम है कृषि सखी, किसानों की सहायता के लिए हमने कई बहनों को प्रशिक्षित करके उनको ट्रेनिंग देके तैयार किया है ताकि वो अलग अलग कामों में किसान को खेती को सहयोग कर सके। तो ऐसी हमारी लगभग 30,000 कृषि सखियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, ये प्रशिक्षण लगातार जारी रहेगा। कृषि सखियों में अधिकांश सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं जो हर काम को बहुत गंभीरता के साथ करती हैं, तो उनको भी प्रशिक्षण जिनने पूरा किया है सर्टिफिकेट प्रतीकात्मक रूप से 5 बहनों को वहां दिए जाएंगे, लेकिन 30,000 बहनों को अलग अलग जगह ये प्रशिक्षण के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और इस सर्टिफिकेट के बाद वो विभिन्न कामों में किसानों को सहयोग करके लगभग 60 से लेकर 80,000 रुपया अतिरिक्त रूप से साल में कमा सकेंगी, अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगी। अभी इस कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ है, इसको लगातार आगे बढ़ाएंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.